उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। जैसे सलमान जी ने कहा, आज सुबह हमारी तरफ से राज्यपाल जी महोदया को एक चिट्ठी भेजी गई है। वो दरअसल एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है उन बातों का जिसका जिक्र आप मीडिया में भी कर रहे हैं, कुछ दिनों से हम सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह अराजकता फैली है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जो जिनका कोई न्याय या लीगल आधार नहीं है। मैं उसके कुछ मिसाल आपको दूंगी जो मैंने इस चिट्ठी में लिखी हैं। ये तो काफ़ी एक एग्जॉस्टेड डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके मैं कुछ एक आध मिसाल दूंगी और मैं अपना भी अनुभव बताऊंगी। आप जानते हैं कि मैं बिजनौर गई थी, वहाँ दो बच्चों की मौत हुई, एक 21 साल का, एक 22 साल का। एक लड़के का नाम अनस, दूसरे का नाम सुलेमान। एक लड़का एक कॉफ़ी मशीन को चलाता था अपने परिवार की आमदनी के लिए। वो अपने घर के बाहर खड़ा था अपने पिताजी के साथ, तो पिताजी को कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा, देखिए अभी मत जाओ, कुछ आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। तो कहा, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, बस दूध लेके आता हूँ। वो बच्चा चले गया, गली में से निकला, वो गली भी मुझे दिखाई उस परिवार ने। पिताजी ने 10 मिनट इंतज़ार किया, फिर कोई दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि काले जैकेट पहना हुआ एक लड़का मर गया है। तो इनके पिताजी भी भागे, वहाँ पे उनको अपने बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश को लेकर अस्पताल गए, वहाँ कोई सहायता नहीं मिली, कोई था नहीं। पुलिस ने दबाव डाला, उसको अपने परिवार जहाँ पे वो रहता था वहाँ दफन करने से मना किया। परिवार को धमकाया कि आप FIR दर्ज करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। अंत में उसको गांव से, जहां से, मोहल्ले से 20 किलोमीटर दूर दफनाया गया। पिताजी ने रोते रोते मुझे कहा कि मैं रोज अपने बच्चे के कब्र को भी देखने नहीं जा पाऊंगा। 21 साल का सुलेमान UPSC के लिए पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान बच्चों के ट्यूशन भी लेता था, बुखार था, शायद नोएडा में रहता था, बुखार था, घर आया था कुछ दिनों के लिए। शाम को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, मस्जिद के बाहर खड़ा था। परिवार का कहना है और जो वहाँ पे खड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने उसको वहाँ से उठाया, कहीं पे ले गए। बाद में कुछ आधे घंटा बाद पता चला कि 5-6 किलोमीटर दूर एक लड़के की लाश मिली है। उसको यहाँ छाती में एक गोली लगी थी, गोली आर पार हुई, ऊपर कोई कपड़े नहीं पहना था, इस स्थिति में उसके परिवार को ये लड़का मिला। फिर से पुलिस ने दबाव डाला कि आप FIR दर्ज नहीं करेंगे। शाम के समय, उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं, परिवार में ज़्यादातर महिलाएं हैं, शाम के समय पुलिस आई, उन्होंने परिवार को धमकाया कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना। ये दो बिजनौर के इंसिडेंट जिनका मुझे अपना अनुभव है। यहाँ लखनऊ में मैं दारापुरी जी के परिवार से मिलने जा रही थी, 77 साल के रिटायर्ड IPS ऑफिसर जिनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। एक अंबेडकरवादी, बेहद शालीन और मतलब उनके घर से ही दिखता है कि किस तरह के इंसान थे। कमरे में सिर्फ किताबें रखी हैं, IPS में रहे, घर से ये दिखा कि एकदम कोई मतलब एक ऑनेस्ट इंसान का घर था, ये दिख रहा था। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली इस कानून के खिलाफ और उस फेसबुक पोस्ट के साथ एक और फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें कहा कि जो भी प्रदर्शन करने जाए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। उनके घर कोई आया, पुलिस आई, घर से उनको उठाकर
गिरफ्तार किया गया। उनकी 75 साल की बीवी बीमार है, पलंग से उठ नहीं सकती, रो रही थी, बहुत घबराहट थी कि क्या होगा, क्योंकि उनको एक ऐसी लिस्ट में डाला गया है जिसमें 48 लोगों के नाम हैं। उसमें हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सदफ जफर का भी नाम है। उनके भी बच्चों से मैं मिली, एक 10 साल का छोटा बच्चा, 16 साल की बच्ची अकेले अपने घर में रह रहे हैं, 4 बिल्लियों के साथ, कोई बड़ा नहीं है घर में, बेटी खुद खाना वाना पकाती है, रिश्तेदार हैं लेकिन साथ नहीं रहते, अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है, माँ से अभी तक मिले नहीं हैं। माँ क्या कर रही थी, कौन सा बड़ा जुर्म था उनका, सड़क पर खड़ी हुई थी, वीडियो ले रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन का वीडियो ले रही थी, उनका अरेस्ट भी उस वीडियो पे है। दारापुरी जी की मैं बात कर रही थी, 48 लोगों के साथ उनका नाम एक लिस्ट में है, उन लोगों पर, माफ करिए मैं ढूंढती हूँ क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है, उन लोगों पर इस तरह से मिल नहीं रहा, इस तरह के केस लगाए गए हैं, सीरियस, एकदम सीरियस तरह से केस, जबकि एक जना घर पे था, एक जने एक वीडियो ले रही थी, तीसरे दीपक कबीर सदर जफर जी के बारे में पूछने गए, थाने में वहीं पे अरेस्ट कर दिया गया, उनका भी नाम इस 48 लोगों की लिस्ट में डाला गया जिन पर बहुत भयानक भयानक केस लादे गए हैं। इसी तरह से वाराणसी में कई बच्चे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटियों के भी कई बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, उनको उठा के जेल में डाला गया। उनमें राज अभिषेक सिंह, अनंत शुक्ला, नीरज राय, दिवाकर सिंह, विवेक मिश्रा, रोहन कुमार, चंदन सागर, दीपक सिंह, सारे 24-25 साल के बच्चे, दिवाकर सिंह उम्र 30 साल, पीएचडी कर रहे थे, धनंजय त्रिपाठी 32 साल, पीएचडी कर रहे थे, ये सब बच्चे अपनी एमए परस्यू कर रहे थे, आयुर्वेद, रविंद्र भारती 25 साल के, इनके साथ सोशल एक्टिविस्ट एकता और रवि शेखर, जिनका 15 महीने का बच्चा घर पर अभी भी इंतजार कर रहा है। ये तो वो केस हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जिनका रिकॉर्ड है, जिनके बारे में मीडिया में लिखा गया है। मीडिया की रिपोर्ट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,500 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1,100 डिटेन हुए हैं और 1,100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। अनऑफिशियली ये नंबर डिटेंशन और जेल का नंबर इससे ज़्यादा है। कई ऐसे लोग इस तरह से जेल किए गए हैं, जैसे आपने कहा, गुमनाम तरह से, अननेम्ड व्यक्ति हैं, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस चिट्ठी में ऐसे तमाम मिसाल हैं जहां पुलिस और प्रशासन खुद गलत काम कर रहे हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ की है, उसका वीडियो है, पुलिस ने कहीं एक माइनर को घेर के उसको पीटा है, शायद कानपुर में, उसका वीडियो है, तमाम इसमें ऐसे मिसाल हैं जहां, जिससे ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे, उस बयान पे प्रशासन और पुलिस कायम है। अब मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि जनता के खिलाफ बदला लिया जाएगा, जो प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट की गई हैं, जिसका नोटिस मिला है, उनमें दारापुरी जी भी हैं, वही 77 साल के आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर, प्रोबेबली उनके जीवन की पूरी वो कमाई है जिससे उन्होंने वो घर लिया, उस पर भी नोटिस आया है क्योंकि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला। तो हो सकता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। कृष्ण भगवान का देश है, करुणा के प्रतीक थे,
भगवान राम करुणा के प्रतीक थे। शिव जी की बारात में सब नाचते हैं। इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला, रंज इन चीजों की जगह नहीं है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया, जब महाभारत युद्ध में वो महान योद्धा मैदान पर खड़े थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे बदले की बात नहीं की, रंज की बात नहीं की। उन्होंने उनमें करुणा और सत्य की भावना उभारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है। हिंदू धर्म का चिन्ह है, उस धर्म को धारण करिए। उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूं मैं। कुछ पूछना है? एक एक करके पूछिए प्लीज। जो मेरी मांगे थी, जो हमारी मांगे हैं, वो भी सुना पढ़नी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग और डीजीपी द्वारा तुरंत आदेश जारी करके पुलिस और सरकार द्वारा किए जा रही हिंसात्मक, गैर कानूनी और आपराधिक कार्यवाही का तुरंत को तुरंत रोका जाए। मौजूदा हाईकोर्ट जज या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी की शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लगाए गए मुकदमों की सत्यता और वैधता तत्काल निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाए। न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए बिना संपत्तियों को सील करने, संपत्ति जब्त करने और अन्य दंडात्मक कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी जो निर्दोष हैं, उन पर किसी तरह की एकेडमिक और कानूनी कार्यवाही नहीं की जाए। ये हमारी चार मांगे हैं। अब पूछिए। प्लीज एक एक करके प्लीज प्लीज। देखिए मैं जवाब, आप पूछिए मत, मैं जवाब दे देती हूँ। मेरी सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है, मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है जिस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रदेश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं, हम आम जनता की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। क्या फिजूल की बातें करते हैं? यहाँ आपके प्रदेश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप प्लीज सोचिए कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। हाँ तो ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया, लगाने दीजिए, क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, ये दे देंगे फाइन जो भी है। देखिए, जागरूकता अभियान नहीं है, ये झूठों का अभियान है। इनकी सच्चाई सबने देख ली है। ये सीएए का कानून संविधान के खिलाफ है, इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे? उससे पूछेंगे कि कोई एविडेंस दिखाइए, टेलीफोन की बिल दिखाइए 1970 की? कहां से निकालेगा? जिस तरह से नोटबंदी में सबको प्रताड़ित किया, उस तरह से ये भी प्रताड़ित करेगा ये कानून। और इस कानून का आधार एकदम संविधान के खिलाफ है। तो जो अभियान निकालेंगे निकालें। आज तमाम विद्यार्थी सड़क पे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं,